नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ और इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिससे आप अपने को देख सकें कि इंटीग्रेशन में कितनी डुबकी आप लगा चुके हैं, कितने गहरे तक आप जा चुके हैं, अपने को थोड़ा चेक कर लीजिएगा। राइट, पहले जरा इस क्वेश्चन को देख लें कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो रियली बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर समझने की कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, जरा ये देख लीजिए कि पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इस पूरे नंबर को वन मान लें, सॉरी एक मान लें, और इंटू वन करके इसको आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करें, इसको फर्स्ट माने, इसको सेकेंड माने और प्रोडक्ट टू लगाए, लेकिन थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप लॉग बेस ई एक्स को टी मान लें। देखो लॉग एक्स यहां लिखा हुआ है पर मैंने क्या लिख दिया, लॉग बेस ई एक्स। अब एक छोटी सी बात बता दूं, यदि यहां पर कोई भी नंबर बेस में नहीं लिखा हुआ हो तो वहां पर बेस ई माना जाता है, यदि और कुछ होगा बेस में तो वो लिखेगा, यदि बेस में और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वहां पर ई है। ठीक है, अब देखो लॉग बेस ई एक्स को आपने टी माना, अब आप इसको यहां पर ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, इतना करेंगे तो थोड़ा सा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डी टी आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से आप ये कह सकते हो कि इसके ई की पावर टी इक्वल टू क्या होगा, एक्स आएगा। ध्यान रखें, या आप पहले इसको ऐसे लिख लें बाद में डिफरेंशिएट करें, यहां पर डिफरेंशिएट नहीं करें, या आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई टी डी टी। आप ऐसे कर लें या आप यहां पर डिफरेंशिएट कर लें, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टी डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स। ऐसे भी आ जाएगा, जैसे चाहे वैसे कर लें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि हमें यह बात पता तो होना चाहिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बेस ई एक्स बराबर टी को ई की पावर टी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर टी डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन को बदल दीजिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा कॉस टी टी, ये टी माना था, ये डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा ई टी डी टी। आप इसमें प्रोडक्ट लगा दीजिए और इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड। ठीक है, प्रोडक्ट रूल तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, फर्स्ट और सेकंड दो नंबर को यदि इंटीग्रेट करना होता है फंक्शन को, क्या होता है, फर्स्ट एज इट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी ओवर डी एक्स ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद सॉल्व करके दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब आप i इक्वल टू लिखेंगे तो यहां पर cos t एज इट आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t आएगा, भाई सेकंड को इंटीग्रेट कर लिया, माइनस एक इंटीग्रेशन साइन लगा लो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा तो sin t आएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t आएगा और dt आएगा। इतना आ गया ना। ठीक है, अब इसमें दोबारा प्रोडक्ट लगाएंगे बच्चे, तो ये आएगा फर्स्ट और इसको दोबारा बनेंगे सेकंड। एक बात और बता दूं, यहां पर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो आंसर जो आएगा वो भी बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। आपके पास आई ये रहेगा, ये क्या रहेगा, कॉस टी रहेगा, ई की पावर टी रहेगा, प्लस ध्यान रखिएगा क्या होगा, साइन टी एज इट et का इंटीग्रेशन et आएगा, माइनस आएगा इंटीग्रेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos t आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t आएगा और dt आएगा। भाई कौन सा रूल लगा रहा हूं, ये वाला रूल लगा रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। ठीक, ये चीज तो साहब दोबारा वही बन गई। ठीक है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, भाई खत्म कर लो, इसको i मान लो तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में से आप e की पावर t कॉमन ले लो, e की पावर t कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, cos t और प्लस sin t, और ये बन जाएगा साहब i, इस i को उधर ले आओ तो 2i हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा e की पावर t ब्रैकेट
साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है ना। अब आप क्या रहेगा, टू आई रहेगा ई की पावर टी। ई की पावर टी क्या है, ई की पावर टी तो एक्स है, इसको एक्स लिख लो, यहां पर साइन लॉग एक्स लिख लो प्लस कॉस लॉग एक्स लिख लो एंड ब्रैकेट बंद कर दो। टू से डिवाइड कर देंगे तो आई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टू साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस सी लगाना मत भूलना वरना आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। बात समझ आई ना, अच्छा क्वेश्चन था ना। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे सॉल्व करोगे, जरूर उसे सॉल्व करके मुझे बताना कि उसका आंसर क्या आएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जरा ये बताइएगा बहुत जरूरी तरह से, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका बोर्ड में आया हुआ है, ये क्लियर बता दूं। और ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस वन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। यदि आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो मैं समझ रहा हूँ आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो और बहुत अच्छा कर लोगे, राइट। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप आरबी क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाकर इस तरह के इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो, ठीक। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।